नमस्कार, मंजू के किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मंजू के किचन लेकर आई है लंगर की दाल, आप उसको मिक्स दाल भी बोल सकते हैं। ये सारी दालों को मिला के बनती है। चलिए बनाते हैं लंगर की दाल। चलिए जान लेते हैं दाल बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिएगा। लंगर की दाल बनाने के लिए हम बताइए, इसमें है काली उड़द की दाल, चना दाल, हरी मूंग की दाल, पीली मूंग की दाल, मसूर की दाल। सारी दालें मिला के मैं दाल बनाऊंगी। छौंक के लिए चाहिए हमको दो प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची। दाल को अच्छे से धोएंगे। पहले हम इस दाल को अच्छे से धोएंगे। मैं अच्छे से दाल धो ली है, अब इसमें पानी डालूंगी। पांच जनों के हिसाब से दाल बना रही हूँ, इसमें दो तीन कप पानी का डालूंगी। इसमें थोड़ा हल्दी डालूंगी, थोड़ा नमक, और इसको हम गैस पे रख देंगे। अब कुकर को हम गैस पे चढ़ा देंगे। तीन चार सीटी आने तक हम दाल को पकाएंगे। कुकर में चार से पांच सीटियां आ चुकी हैं, देख लेते हैं दाल उबल गई क्या। देख लेते हैं हमारी दाल उबल गई। देखिए दाल तो हमारी उबल चुकी है, आपको भी चार पांच सीटियां लगानी पड़ेंगी। चलिए अब तड़के की तैयारी कर लेते हैं। दाल में छौंक के लिए देखिए मैंने प्याज छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है। मैं घिस के डालूंगी। ये हरी मिर्ची है, ये हरा धनिया है। मसाले में डालने वाली हूँ सबसे पहले जीरा, मिर्ची, गरम मसाला पाउडर, नमक, मिर्ची। गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है। मैं हमारा घी गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे हम जीरा। जीरा ब्राउन हो चुका, अब इसमें डालेंगे हम हींग। हींग से डाइजेस्ट सही रहता है। इसमें दाल में खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब इसमें डालेंगे हम प्याज। थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। ब्राउन हो चुकी, अब इस प्याज तड़के की ब्राउन हो चुकी, अब इसमें डालेंगे हम टमाटर। ये टमाटर, हरी मिर्ची, चाहे तो टमाटर छोटे छोटे पीसेस में डाल सकते। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हल्दी, गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी देगी मिर्ची कलर के लिए। ये हमारा मसाला पक चुका, अब इसमें डालेंगे हम दाल। पानी, थोड़ा पानी ऐड कर देते हैं। दाल को तब तक पकाएंगे उबाला नहीं आ जाए, मसाला पूरी तरह से मिल नहीं जाए। देखिए हमारी दाल में उबाला आ चुका है, बन चुकी है अच्छी से। ये देखिए इसमें ऐड करेंगे धनिया। चलिए प्लेटिंग करते हैं।